तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एनिमे बॉय की एकदम नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में एनिमे कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक टीवी चैनल एनिमे दिखाना चाहता है हिंदी डब में, और आज की हमारी वीडियो भी हिंदी डब से रिलेटेड ही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वन पीस के बारे में बताया था कि वो हिंदी डब में आने वाला है एनिमे बूथ पर, बट उसके राइट्स किसी और टीवी चैनल ने खरीद लिए हैं उससे पहले। उसके अलावा क्रंची रोल का एक और हिंदी डब एनिमे है जो करंटली स्ट्रीम हो रहा है हिंदी डब में, और भी कुछ बड़ी अपडेट्स, एनिमे मूवीज का इंडियन थिएटर में आना। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एहे, रहा नहीं जाता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रंची रोल के हिंदी डब एनिमे के बारे में। क्रंची रोल ने अप्रैल का लाइनअप निकाल दिया था कि अप्रैल से कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं। लेकिन इन हिंदी डब के अलावा एक और एनिमे है जो हिंदी में स्ट्रीम हो रहा है उनसे भी तेजी में। एनिमे का नाम है गॉड्स गेम वी प्ले। ये एनिमे सीरीज कॉमेडी ड्रामा और सुपर नेचुरल पे बेस्ड है। क्रंची रोल ने अभी तक इसके 3 एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल करा दिए हैं, जो कि हर मंडे आ जाता है, और ये बिल्कुल ही नया एनिमे है जो कि ऑन गोइंग है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो क्रंची रोल पे ये स्ट्रीम हो रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, यानी कि वन पीस। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वन पीस हिंदी डब में आने वाला है एनिमे बूथ पे, बट हुआ कुछ ऐसा है। कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ये कंफर्म किया है कि वन पीस कार्टून नेटवर्क पे आने वाला है। ये बात उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करी है, यानी कि कार्टून नेटवर्क ने एनिमे बूथ से पहले ही वन पीस के राइट्स खरीद लिए और उसका हिंदी डब भी शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, कोई भी टीवी चैनल अब पीछे नहीं रहना चाहता, और इसी वजह से हमें एक बार फिर वन पीस कार्टून नेटवर्क पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, वो भी कार्टून नेटवर्क से ही रिलेटेड है। तो कार्टून नेटवर्क माय हीरो एकेडेमिया के 3 सीजन ऑलरेडी दिखा चुका है हिंदी डब में, और उसने ये भी कंफर्म कर दिया है कि 4th सीजन जल्द ही आने वाला है कार्टून नेटवर्क पे। तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो उनको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्द ही कार्टून नेटवर्क पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा इसका सीजन 4। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि जुड़ी हुई है हाइक्यू मूवी द डम्पस्टर बैटल से। हाइक्यू की ये मूवी जल्द ही इंडियन थिएटर में देखने को मिलेगी, और इस बात की कंफर्मेशन की है मीडिया लिंक ने। तो अगर आपको इस मूवी का इंतजार था, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है कि ये हिंदी डब में रिलीज होगी या किस लैंग्वेज में। ओरिजिनली ये जैपनीज में ही रिलीज होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश का अभी तक कोई पता नहीं है। तो अगर आपको इस मूवी का इंतजार था, तो जल्द ही आपको ये इंडियन थिएटर में देखने को मिल पाएगी। बात कर लेते अपने नेक्स्ट अपडेट की, तो रिसेंटली सबको ये सुनने में आ रहा था हायाओ मियाज़ाकी की फिल्म द बॉय एंड द हीरो पीवीआर इसे इंडियन थिएटर्स में लेके आने वाला था, बट पीवीआर की वो डील कैंसिल हो चुकी है और अब इसे इंडियन थिएटर में लाने वाला है वर्नर ब्रोस इंडिया। और इस बात की कंफर्मेशन वर्नर ब्रोस इंडिया ने खुद करी है, और ये मूवी जैपनीज लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज होगी, और उसके साथ साथ इंग्लिश डब में भी ये रिलीज होगी। बात कर लेते अपनी नेक्स्ट अपडेट की, तो क्रंची रोल ने ये कंफर्म किया है कि ब्लू लॉक की मूवी एपिसोड नागी, आप सभी को तो पता ही हो, जापान में थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और हो रही है। लेकिन क्रंची रोल ने ये कंफर्म किया है कि क्रंची रोल इस जून ब्लू लॉक की इस मूवी को लाने वाला है। बट ये बात क्रंची रोल इंडिया ने नहीं, सिर्फ क्रंची रोल ने कंफर्म करी है, और इसमें कोई इंडिया या फिर किसी और कंट्री का नाम नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि जापान के अलावा और कंट्रीज में ला रहा हो क्रंची रोल इसे, तो इसमें चांसेस है कि इंडियन थिएटर्स में भी ये रिलीज हो सकती है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, और वो इसलिए क्योंकि हाइक्यू मूवी इंडियन थिएटर में आ रही है, और इसी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लू लॉक मूवी भी इंडियन थिएटर में आने के लिए। तो अगर आप लोगों को ब्लू लॉक मूवी का इंतजार है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर सवेर ये मूवी इंडियन थिएटर में जरूर आ ही जाएगी। और सच कहूं तो मुझे भी इसका बेसब्री से इंतजार है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना आज की इन सभी अपडेट्स के बारे में, कि आपको इनके बारे में सुन के कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, और इंस्टाग्राम पे मैं आपको देखने को मिल ही जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।